हेलो फ्रेंड्स, तो जिसको लगता है अगर से वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल जाएगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने क्या देखा था। आप लोगों ने देखा था कैसे लूफी पायरेट जो है साबोडी पार्क में मजे कर रहे होते हैं और एक दुर्घटना घटती है जिसमें कैमी जो है किडनैप हो जाती है और कैमी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे लोगों की तस्करी होती है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है मंकी डी कार्प बोलता है डार्क किंग सिल्वर रेलिक, तो उसके साथ एक ऑफिसर होता है, बोलता है सर सबको लग रहा है कि वो एक नॉर्मल बुड्ढा है और उसकी हम लोग बोली लगाने वाले हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वो लेजेंडरी पायरेट है। दोस्तों जो गार्प होता है वो बोलता है ये बात तुम किसी को मत बताना, खास तौर के सेनगोकू को तो बिल्कुल भी नहीं। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो लोगों की बोली होती है वो लगना शुरू हो जाती है। वहाँ पे दोस्तों हर तरह का बंदा अवेलेबल है, आपको पायरेट चाहिए, आपको मेड चाहिए, हर तरह के लोग अवेलेबल हैं। इधर जो सांजी होता है वो डुअल से बोलता है भाई जल्दी कर नहीं तो कहीं लेट ना हो जाए, सभी लूफी पायरेट जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंकी वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर लोगों की बोली लग रही होती है, लेकिन नामी हमी सब वहाँ पर पहले से ही होते हैं। तो जो फ्रेंकी होता है वो गुस्से में मारपीट करने के मूड में होता है, फिर सांजी भी पहुंचता है, सांजी भी मारपीट करने के मूड में होता है, लेकिन जो हाची होता है वो रोक लेता है, वो बोलता है अगर तुम इसे मारोगे तो यहां पे एडमिरल्स आ जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग कहते हैं क्या बोलते हैं मतलब गवर्नमेंट क्या तुम लोग को सपोर्ट करती है, वो लोग बोलती है हाँ गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करती है। तो अब नामी होती है वो बोलती है ठीक है हम लोग भी रूल से खेलेंगे और जो कैमी है उसे खरीद लेंगे। इधर जो जोरो होता है भाई, जोरो के पास कुछ बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं, तो जो जोरो होता है भाई वो सीरियसली निगाहों से देखता है और भाई बाउंटी हंटर से एकदम भाई उनके तो छक्के छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं अरे भैया माफ़ कर दो। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी होता है वो भी जल्दी जल्दी कर रहा होता है और अब जो बोली होती है किसकी कैमी की लगने वाली होती है। अब आइलैंड में क्या होता है पर्चे बढ़ जाते हैं कि जो फायर फिस्ट एस है वो पकड़ा गया है और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद जहाँ पे लोगों की बोली लग रही होती है वहाँ पे सेलिशियल ड्रैगन चार्लोस भी पहुँच जाता है, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है जिस कारण वह जो अपनी सवारी होती है उसकी मार लगानी शुरू कर देता है। अब क्या होता है जो बोली लगती है वो लगती है कैमी की, तो नामी बोलती है कि मेरे पास 200 मिलियन बैरीज तो हैं शायद इससे काम बन जाएगा, तो हाची बोलता है हाँ इससे काम बन जाएगा। तो जैसे ही मरमिड कैमी को पेश किया जाता है कार्लोस खड़ा होता है और पहली बोली लगाता है 500 मिलियन बैरीज की, काम ख़त्म, नामी के पास इससे ऊपर पैसे ही नहीं होते हैं। इधर जो जोरो और जो लूफी होते हैं वो ह्यूमन जहाँ पे लोगों को बेचा जा रहा होता है वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं और ये डील जैसे ही पूरी होने वाली होती है जोरो और लूफी मैदान में एंट्री कर देते हैं और जो लूफी होता है वो देखता है कैमी सामने होती है तो लूफी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो कैमी जो लूफी होता है लूफी को हाची रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब सब लोग हाची को देखते हैं तो सब लोग बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं हाची के बारे में, कहते हैं तुम अपने आइलैंड में वापस जाओ, तुम मरमेड आइलैंड में वापस जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। और इतने में जो कार्लोस होता है वो हाची पे गोली चला देता है, लूफी ये देखता है रुकता है और वापस आता है। भाई कार्लोस की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी नगाह से जो है लूफी देखता है, पूरे मारने के मूड में होता है लेकिन हाची रोक लेता है, वो बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोली चल जाए, कोई मर जाए, लेकिन तुम सेलिशियल ड्रैगन की तरफ नहीं देखोगे। लेकिन जो कार्लोस होता है भाई वो गोली मारने के बाद नाचना शुरू कर देता है, अब लूफी पे कंट्रोल नहीं होता है, लूफी कार्लोस की तरफ बढ़ता है, कार्लोस बोलता है तुम मेरी तरफ देख रहे हो, और भाई एक घूंसा जो है कार्लोस में रख देता है पूरी दम से। कार्लोस में दोस्तों जैसे ही घूंसा पड़ता है भाई वहां पे एकदम शांति, 5 सेकंड्स की एकदम शांति हो जाती है, सब लोग सोचते हैं भाई क्या हो गया। लूफी बोलता है अपने दोस्तों से भाई गड़बड़ हो गई, मैंने घूंसा मार दिया, अब एडमिरल आएंगे दिक्कत होगी। जोरो बोलता सही किया, नहीं तो मैं तो इसे काटने वाला था। और भाई अब वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, सब बाहर भाग रहे होते हैं। इतने में क्या होता है जो कार्लोस के जो पापा होते हैं वो लूफी पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं, तो जो सांजी होता है वो जाता है पहले बंदूक हटाता है और जो सेलेस्टियल ड्रैगन के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं उनसे जो है उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर जो सिल्वर रेलिक होता है वो कहता है मेरे पीने का आइटम ख़त्म हो गया है, लग रहा है अब बाहर निकलने का टाइम हो चुका है। तो अब होता क्या है जब ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो मैदान में ब्रूक, निको रोबिन और ऊसो भी आ जाते हैं। ये लोग लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि जो फीमेल सेलेस्टियल ड्रैगन होती है वो केमी के ऊपर बंदूक तान देती है और बंदूक चलाने वाली होती है कि एक अजीब सी पावर आती है और जो फीमेल सेलेस्टियल ड्रैगन होती है वो बेहोश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कौन मैदान में दिखाया, सिल्वर रेलिक, वो बोलता है लग रहा है हाची कि तुमने कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने, कहता तुम दो मटर को, और पता नहीं क्या करता है वो, सारा इंसिडेंट पता पड़ जाता है क्या हुआ है।
एकदम फिर द्वारा अपनी विल पावर का यूज करता है, जितने सोल्जर्स वहां पे खड़े होते हैं सबको बेहोश कर देता है। बोलता है तुम ही हो मंकी डी लूफी, मैं तुमसे मिलना चाहता था। बहुत अच्छा नाम सूट करता है, फियरलेस, बढ़िया लगता है देख के, और मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। अब क्या होता है दोस्तों, आइलैंड में खबर फैलती है कि एडमिरल आ रहा है। तो जितने भी पायरेट्स होते हैं, किसको, दो को छोड़ के, एक तो मेन लूफी है ये, और लॉ और किड को छोड़ के जितने भी बाकी बचे पायरेट्स होते हैं वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर जो लूफी लोग होता है भाई, जो मरीन्स के ऑफिसर होते हैं, वो चारों तरफ से लूफी लोग को घेर लेते हैं। और उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि सर हम लोगों के लिए बैकअप आ रहा है, एडमिरल किज़ारू जो है हम लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। तो अब होता क्या है, जो कैमी होती है वो बच तो जाती है, लेकिन उसके गले में अभी भी कॉलर पड़ा हुआ होता है। तो सिल्वर रिली बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इधर दोस्तों जो लोगों की तस्करी कर रहा होता है जो आदमी, वो डोफला मिंगो के पास फ़ोन करता है, कहता है सर अब हम आपकी जो दुकान है ये डेंजर में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडमिरल्स आ रहे हैं। तो जो डोफला मिंगो होता है वो बोलता है कि अब वो दुकान तुम्हारी है, वो तुम संभालो, और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, क्योंकि वाइट बियर्ड वर्सेस क्या होने वाला है, सेवन वॉर लॉर्ड्स की बैटल होने वाली आगे। अब क्या होता है, जो रेलिग होता है वो कैमी के कॉलर पे हाथ लगाता है। इधर जो फ्रैंकी होता है वो चाबी ढूंढ रहा होता है, तो जो कैमी का जो कॉलर होता है उसे टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है, और जैसे ही वो फटने वाला होता है वैसे ही रेलिग उसे बचा लेता है। इसके बाद सबको पता पड़ता है कि बाहर हमें जो है मरीन के ऑफिसर्स ने घेर लिया है। तो रेलिक बोलता है अब ये जो पावर है मैं उसे अब और यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो अब तुम तीनों पे जिम्मेदारी है। अब तीन बड़े पायरेट्स मैदान में उतरते हैं, लूफी, किड और लॉ, और भाई ये तीनों ही डेविल फ्रूट यूज़र होते हैं, भाई धुआं भर देते हैं। जो लॉ है उसका डेविल फ्रूट बड़ा ही अजीब है, वो एक रूम बनाता है, उसमें एक आदमी फंस जाता है और भाई उसकी मुंडी उड़ा देता है, लेकिन वो जिंदा होता है। इधर जो किड होता है, किड की तरफ एक तोप का गोला आता है, वो उसे रोक देता है और वापस उन्हीं के ऊपर फेंक देता है। और लूफी का डेविल फ्रूट तो आप लोगों को पता ही है। अब क्या होता है, सब लोग अपनी पावर का जो दायरा है थोड़ा और बढ़ाते हैं, ट्रेफर रूम और बड़ा करता है, तो उसमें और लोग आते हैं और उन सबको काट डालता है। इधर जो किड होता है वो अपनी पावर का जो दायरा और बढ़ाता है, तो जितना भी लोहा लंगड़ वहाँ पे अवेलेबल होता है, तलवार, शॉर्ट, बंदूक, जो कुछ भी होती हैं भाई, सब उसके हाथ से आके चिपक जाती हैं। अपना लूफी होता है वो थर्ड गियर यूज़ करता है, भाई ये सबको क्या करते हैं, पीठ पाट के बराबर कर देते हैं। लेकिन जो लॉ होता है, लॉ अपने रूम में किसी की बॉडी को कहीं भी जोड़ देता है, मतलब किसी का पैर ले लिया, किसी का सिर ले लिया, किसी का पेट ले लिया, भाई किसी को भी कहीं पे जोड़ देता है। अब क्या होता है, इनके सबॉर्डिनेट्स भी आ जाते हैं मैदान में, और अब ये लोग क्या करते हैं, भागने की प्लानिंग करते हैं, वहाँ से निकलना भी होता है, बोले कब तक लड़ते रहेंगे। अब जो किड होता है वो बोलता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि लूफी मैं तुमसे मिल पाया, लेकिन अगली बार मैं कोई भी दया तुम पे नहीं दिखाऊंगा। लूफी बोलता है लेकिन मैं तो वन पीस ढूंढूंगा, और भाई किड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और किलर से बोलता है भाई मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो इस एटीट्यूड से, जिसने बोला कि मैं जो वन पीस ढूंढूंगा। ये सब देख के वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, लॉ को एक नया पार्टनर भी मिल जाता है अपनी टीम के लिए, एक नया बंदा मिल जाता है। लेकिन एक और संकट आ गया, और वो है बार्थोलोमिया कुमा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।